हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम देखेंगे नेट जेआरएफ की जो एग्ज़ाम हुए थे नवंबर 2017 में, उसका सेकंड पेपर यहां पे देखेंगे। तो ये जो है वो एजीपी प्रकाशन की जो बुक आती है उसी से है ये पेपर, और बहुत ही अच्छा इसमें डिटेल्ड में सॉल्व किया गया है। तो इसको हम लोग 50 क्वेश्चन सेकेंड पेपर में इस वीडियो में हम पूरा देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि मोरोविक जो असंतता हो या असंबद्धता होती है, यानी कि मोरोविक डिसकंटिन्यूटी होती है, निम्न में से किनके बीच यह सीमा का निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिए परपटी और यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच। तो इसमें देखिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि असंबद्धता या असंतता, डिसकंटिन्यूटी ये चट्टानों में जो घनत्व में यानी डेंसिटी में जो डिफरेंस होता है उनके बीच, और लहरों की गति में अंतर होती है। क्योंकि जो एस पी जो वेव्स होती हैं, ये जब एल पी एस जो वेव होती हैं, जब ये नीचे जाती हैं तो इनमें घन इनकी जो स्पीड होती गति होती उसमें अंतर आ जाता है। तो इस आधार पे भी यहाँ पे इसे डिवाइड किया गया है और इनके घनत्व में भी अंतर आता है, तो उसे ही डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो लहरों की गति चट्टानों के घनत्व के समानुपाती होती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर जाने पर जो चट्टान होती है चट्टानों का घनत्व बढ़ता जाता है, और घनत्व में वृद्धि दबाव एवं चट्टानों के पदार्थ के अनुसार होती है। इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न भागों में जो असंबद्धताएं पाई जाती हैं उनमें देखिए ये कोनोडार्ड है। पहले इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था थोड़ा सा, तो कोनोडार्ड जो डिसकंटिन्यूटी होती है ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच पाई जाती है। उसके बाद मोरो जो असंबद्धता होती है ये आपका लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच होती है। रेपेटी जो असंबद्धता है ये आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच होती है। उसके बाद जो लेमान असंबद्धता है वो अपर कोर और लोअर कोर के बीच होती है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है कि एक प्लेट का दूसरे प्लेट की ओर खिसकना वो किस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए जब एक प्लेट दूसरी की तरफ आते हैं तो इसका डिटेल हम देखते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्या है कि गति के आधार पर प्लेटें तीन प्रकार की होती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर जो है आती हैं तो इसे अभिसारी या विनाशी प्लेट किनारा कहा जाता है, और जब इसमें जो भारी प्लेट होती है वो हल्के प्लेट के नीचे जो है सबडक्ट हो जाती है, यानी कि अवनयन हो जाती है। हिंदी में क्या है तो सबडक्शन इनका हो जाता है। यहाँ प्लेट का जो किनारा होता है वो विनाशात्मक किनारा कहा जाता है, ये वाला, यानी कि जब ये एक दूसरे की ओर आएंगी तो इसे कहते हैं अभिसारी या विनाशी प्लेट किनारा। तो इसमें जो भारी चट्टान होगी वो नीचे चली जाएगी और जो हल्की चट्टान वो ऊपर उठ जाएगी। तो इस किनारे से क्या होता है कि यहाँ पे जो चट्टानें नीचे ये जाएंगी ये अवनयन हो जाएगी, और ये यहाँ पे जो है संबंधित क्रियाएँ चलती रहती हैं नीचे पृथ्वी के अंदर, और यहाँ पे ये एरिया बहुत गर्म होता है जिससे प्लेटें यहाँ पे गलती रहती हैं। और उसके बाद दूसरा जो टाइप है वो जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो इसे एक दूसरे से दूर गति करते हैं, यानी कि इस तरह से प्लेटों की गति होगी इस तरह से, तो इसे कहते हैं अपसारी प्लेट किनारा या रचनात्मक प्लेट किनारा। तो रचनात्मक प्लेट किनारा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नए जो चट्टानें होती हैं उसका निर्माण होता रहता है। तो इसमें देखिए ये क्या है कि जब ये दूर जाएंगी ऐसे तो यहाँ का जो एरिया यहाँ का एरिया है, तो यहाँ से जो लावा या मैग्मा है वो बाहर निकलता आता रहता है, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जमा हो जाता है। जैसे आपका जो कटकों का निर्माण होता है वो इसी वजह से होता है, जैसे जो मिडल अटलांटिक रीज है यानी मध्य अटलांटिक कटक जो है उसका निर्माण इसी वजह से हुआ है इसी प्रक्रिया में। और तीसरे टाइप की जो प्लेट है वो यहाँ पे रचनात्मक घन में देख लिया, और उसके बाद यह जो क्रिया होती है ये मध्य महासागरीय कटक के सहारे होता है, मैग्मा ऊपर आ जाने से नए क्रस्ट का निर्माण होता है। उसके बाद जब दो प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल खिसकती हैं यानी कि इस तरह से एक इधर जाए एक इधर जाए, तो
उसे संरक्षित प्लेट किनारा कहते हैं। यहाँ पे जो है रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है, जैसे सैन एंड्रियास जो भ्रंश है उसका निर्माण इसी के द्वारा हुआ है। अब नीचे देखिए क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सैन एंड्रियास भ्रंश किस प्रकार का है, तो ये ट्रांसफार्म फॉल्ट है, रूपांतरण भ्रंश है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया भी है क्वेश्चन में कि संरक्षित प्लेट किनारे हैं जब अगल बगल, तो ये कहाँ पर है, कैलिफोर्निया का है सैन एंड्रियास भ्रंश। उसके बाद है कि जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला, कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है। तो ऑप्शन एक है पदस्थली पेडी प्लेन, केम टेरेस या फूड प्लेन या लॉस प्लेन, तो लोएस्ट प्लेन। तो यहाँ पे जो ये सरिता हिमी निक्षेप होता है ये केम वेदिका होती है। अब यहाँ से डिटेल्ड में देख लीजिए कि सरिता हिमी निक्षेप से केम वेदिका का निर्माण होता है। हिमनद के अग्रभाग पर हिम के पिघलने के कारण कुछ मलबा का निक्षेप जो है टीले या ढेर के रूप में जमा हो जाता है। इन टीलों को ही केम कहते हैं, इनके ढाल जो है तीव्र होते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हिम नदी के अग्रभाग का जो हिम पिघल जाएगा जब ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक टीले का निर्माण हो जाता है, इसके चारों ओर का जब पिघल जाएगा तो इसे ही केम कहते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने प्रवाल भित्ति के संबंधित जो अवतलन का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, डार्विन महोदय का जो अवतलन का सिद्धांत है वो डार्विन ने दिया था। ये काफ़ी कंफ्यूज करता है कई बार। तो यहाँ पे देखिए कि प्रवाल भित्ति के निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत है सभी का जिक्र किया गया है। अवतलन सिद्धांत डार्विन ने दिया था, स्थिर अवस्थल सिद्धांत मरे का है, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत डेली का है, और डेविस की जो संकल्पना है या सिद्धांत यह भी इनका अवतलन सिद्धांत पर ही आधारित है। अवतलन सिद्धांत डार्विन का हो गया, उसके बाद डेविस का भी अवतलन पर ही आधारित रहा है, डेली का हिमानी नियंत्रण है, मरे का स्थिर स्थल है। तो ये सभी प्रवाल भित्ति निर्माण से संबंधित सिद्धांत रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1750 ईस्वी के बाद वायुमंडल में CO2 की वृद्धि के संबंध में कौन सा प्रतिशत वर्ग सही है। तो इसमें देखिए कि 5 से 10 या फिर 10 से 15, 15 से 30 या 30 से अधिक। तो पूछ रहा है कि 1750 के बाद जो CO2 में वृद्धि हुआ है कितनी वृद्धि की गई है। तो इसमें है कि ये UNO की जो वेदर एजेंसी है उसके अकॉर्डिंग है कि औद्योगिक युग जो प्रारंभ हुआ था वो लगभग 1750 से माना जाता है, तो अब तक जो है 39% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2010 के मौसम संगठन के अनुसार CO2 का स्तर जो है वो लगभग 0.389 PPM है, पार्ट पर मिलियन है, जो उस समय जो है 250 के आसपास था, यानी कि इसमें 389 है। और ये 2010 के अनुसार जो है ये 389 और 250 PPM, इसके पूर्व में 280 PPM था। और यहाँ पे देखिए वायुमंडल के संगठन के बारे में दिया था कि संगठन के बारे में कि इसमें जो गैसें होती हैं उसकी मात्रा कितनी होती है ये मिलान करने के लिए दिया था। तो नाइट्रोजन जो है 78% मानी जाती है, ऑक्सीजन 21 के आसपास है, आर्गन 0.934 है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। उसके बाद यहाँ से 7th नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, ये कथन दिया है और कारण दिया है कि ITCZ का स्थानांतरण भूमि की अपेक्षा समुद्र पर अधिक होता है। भूमि की सतह, कारण क्या दे रहा है कि भूमि की सतह जलाशय की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है, कि ITCZ का जो स्थानांतरण है वो भूमि की अपेक्षा समुद्र पर ज़्यादा होता है, क्योंकि भूमि की सतह जलाशयों की तुलना में अधिक जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसमें देखिए कि ये कारण जो है ये वाला सही है कि भूमि की जो सतह है वो जलाशय की तुलना में अधिक जल्दी गर्म हो जाती है, अधिक गर्म होती है, लेकिन ITCZ का जो स्थानांतरण है वो भूमि की अपेक्षा समुद्र पे अधिक नहीं होता है, बल्कि इस भूमि पे इसका जो स्थानांतरण होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थल भाग सागरों की अपेक्षा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। 10th नंबर का देखिए यहाँ पे कथन है कि दक्षिणी गोलार्ध का
अधोध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है, यानी कि कंटिन्यू है। और उसके बाद कारण दे रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में जो भूखंड है वह कम है। तो ये बात सही है कि जो भूखंड है वह कम है और दक्षिणी गोलार्ध का जो अधोध्रुवीय निम्न दाब है वह लगभग समान है, सतत है। तो इसमें देखिए ये दोनों सही है, कथन और कारण भी सही है। और इसमें कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और यहाँ पे कि निम्न में से किस क्षेत्र में समुद्री जल की लवणता अधिक होती है, ऑप्शन है विषुवत रेखीय, ध्रुवीय क्षेत्र, उपोष्ण क्षेत्र या फिर अधोध्रुवीय। तो इसमें जो सब ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है समुद्री लवणता पाई जाती है, लगभग ये आपका 30 डिग्री के आसपास जो होता है वहाँ पे आपका ये समुद्री लवणता जो है ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि जो विषुवत रेखा होती है वहाँ पे जो है ज़्यादा टेम्परेचर तो होता है लेकिन वर्षा भी हो जाती है। अब पोलर पे आप जानते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा वाष्पीकरण होता नहीं है और सब पोलर पे भी नहीं होता है, तो जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट होता है वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, उसकी अपेक्षा जो वर्षा वहाँ पे कम होती है। और यहाँ पे उच्च दाब के कारण प्रति चक्रवाती दशाओं का निर्माण होता है, खुले आकाश एवं कम वर्षा का क्षेत्र भी यहाँ पे होता है। उसके बाद है कि UVI जो पराबैंगनी सूचकांक है यह कब अस्तित्व में आया, कब चालू किया गया, तो ये है कि 1990 के दशक में यह चालू किया गया था, यानी कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को मापने का मानक है जिसे कनाडियन वैज्ञानिक 1992 में विकसित किया। UN वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 94 में इसे एक्सेप्ट किया था। तो इसको हमने देख लिया कि नाइट्रोजन है यहाँ पे 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन आपका हो गया ये 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। उसके बाद यहाँ पे 12th देखिए कि ये सभी ज्वारों के सर्वाधिक संचालन के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है, कौन सा निम्न में से, तो महासागरों का आकार है या महाद्वीपों की आकृति, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या महासागरी लवणता। तो ज्वार और भाटा आता है ये किसकी वजह से आता है, चंद्रमा और सूर्य की जो आकर्षण शक्तियाँ होती हैं उसी के कारण यहाँ पे आता है। तो यानी कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण जो है ज्वारों का सर्वाधिक संचालन होता है, तो इसी में ये उत्तरदायी होता है। यहाँ पे दिया भी गया है कि ज्वारों की उत्पत्ति एवं संचालन का महत्वपूर्ण कार्य सूर्य एवं चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसमें चंद्रमा का द्रव्यमान सूर्य की अपेक्षा कम होते हुए भी चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति महत्वपूर्ण है। सूर्य एवं चंद्रमा के जो ज्वार उत्पादक बल होते हैं उसका अनुपात 5:11 है, यानी कि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा लगभग 2.17 गुना अधिक ज्वार उत्पादक बल लगाता है। अगला है, पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में कौन सा प्रतिशत भूमि उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भूमि निम्न के लिए सही है, यानी कि भूमि उच्च अंदर की अवजीपेरिगी यानी कि भूमि नीच और एपोगी जिसे कहते हैं वो भूमि उच्च हिंदी में कहते हैं उसे। तो इसमें कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से दूरी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा जो प्रतिशत है वह भूमि उच्च की अपेक्षा चंद्रमा की भूमि नीच के लिए सही है, 2%, 5%, 8% या 12%। तो इसमें जो है ये 12% ऊंचे ज्वार जो है ये उत्पन्न करता है पेरिगी स्थिति के कारण, जो अपोगी स्थिति की अपेक्षा ये लगभग 12% ऊँचे ज्वार उत्पन्न करता है। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है उसी प्रकार चंद्रमा भी लगाता है, और दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है, चंद्रमा इस दीर्घवृत्ति परिक्रमण के कारण कभी पृथ्वी के नज़दीक आता है, यानी कि चंद्रमा जो है कभी पृथ्वी के नज़दीक और कभी दूर आ जाता है, और जब ये नज़दीक आता है तो उसे कहते हैं पेरिगी स्थिति या भूमि नीच, और दूर जब जाता है उसे कहते हैं भूमि उच्च यानी कि अपोगी स्थिति।
पिरगी स्थिति के कारण जो कारण अपोगी स्थिति के कारण सागरों में 12% ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने भूगोल को परिमाणात्मक क्रांति अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज के रूप में परिभाषित किया? तो डॉक्टर विलियम बुंगी जो हैं, डब्ल्यू बुंगी, इन्होंने परिमाणात्मक क्रांति को परिभाषित किया था। भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति की अवधि के दौरान भविष्यवाची पद्धति की खोज बुंगी ने किया। बुंगी ने अपनी पुस्तक थ्योरेटिकल ज्योग्राफी में भूगोल की क्षेत्रीय संबंधों एवं अंतर संबंधों की को बताते हुए ज्यामिति को इसकी भाषा माना। ज्योमेट्री इज द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद यहाँ पे है कि जो मानव पारिस्थितिकी है, क्वेश्चन है आगे, उसको किसने दिया था? तो बैरोज महोदय ने दिया था इस संकल्पना को। मानव पारिस्थितिकी मानव प्राकृतिक सामाजिक और उसके निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, और जबकि इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है उसे अर्नेस्ट हेकल ने 1886 में दिया, और पारिस्थितिक तंत्र को एजी टांसले ने दिया, इकोलॉजिकल सिस्टम को एजी टांसले ने दिया। उसके बाद अगला है जो कथन है और कारण है। महासागरों के पश्चिम भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं। ये बात सही है कि महासागरों के पश्चिमी भाग में ही ज़्यादातर मरुस्थल पाए जाते हैं, इसीलिए ये वाला कथन सही है कि पूर्वी सीमाएं पश्चिमी की तुलना में जो है वो ठंडी होती हैं, यानी कि पश्चिमी गर्म होता है, पूर्वी ठंडी। तो यहाँ पे है कि कारण क्या है कि प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती हैं। जो महासागरीय गर्म धाराएं होती हैं ये पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं, इसलिए जो गर्म धाराओं की वजह से जो पश्चिमी भाग है वो पूर्वी की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। तो ये पहला, इसमें कथन और कारण दोनों सही हैं। यहाँ पे विषुवत रेखा के दोनों ओर विषुवतीय धारा पूर्व से पश्चिमी ओर चलती है, अतः महासागरों के पश्चिम भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। ये देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किसने महासागरीय जल के रंग और इसकी लवणता के बीच संबंध स्थापित किया? तो किसने स्थापित किया था? ये अल मसूदी ने बताया था, महासागरी जल के रंग और इसकी लवणता के बीच संबंध। अल मसूदी का जन्म 9वीं सदी में हुआ था, ये बगदाद में हुआ था। उसकी मृत्यु 956 में मिस्र के फुस्तात नगर में हुई थी। इसकी किताब देख लीजिए यहाँ पे, किताब मिराज अल दहाब, किताब अल तनवहरवाल इसराफ, और किताब अखबार अल जमा, किताब अल औसत। तो जो पूछा जाता है वो किताब मिराज अल दहाब, ये अल मसूदी की पुस्तक है। यहाँ पे देखिए ये इसके बारे में डिटेल है कि मिराज अल जो दहाब है ये सोने की चारागाहें और जवाहरातों की खाने हैं, यानी कि मीडोज आर गोल्ड आर एंड माइंस ऑफ प्रीवियस स्टोन। उपदेश और निरीक्षण जो है ये एक्सटॉर्शन एंड इंस्पेक्शन, अल मसूदी ही हेरकंद की सामयिक पवनों, यानी कि जो हेरकंद है अल मसूदी के समय में बंगाल की खाड़ी को हेरकंद कहा जाता था, इसकी जो पवने हैं सामयिक पवने यानी कि मानसून का अच्छा विवरण जो है ये प्रस्तुत किया है। किसने? अल मसूदी ने। अल मसूदी ने ही मानव भूगोल के क्षेत्र में मानव पर्यावरण में पारस्परिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। अल मसूदी के अनुसार जो है 7 सागर कौन कौन से थे? फारस सागर, फारस की खाड़ी और मकरान तट पे है, लारेबिया सागर सिंधु मुहाना से लेके कन्याकुमारी अंतरीप तक है, यानी कि अरब सागर को इसने लारेबी सागर बताया, हरकिंद जो है ये बंगाल की खाड़ी को बताया, सेलाहे सागर जो है ये कालाबार सागर यानी कि मलक्का सागर को बताया, केंद्रेज अथवा किंडेज सागर ये मलक्का प्रायद्वीप के पूर्वी तट श्याम की खाड़ी के दक्षिण में है, सेफर सागर ये वियतनाम सागर है, और सेंजी सागर चीन सागर है। 15वां यहाँ पे कि कौन सा पद दो बायोमों के मिलन का क्षेत्र है? तो ये आपको पता है कि इको स्टोन कहते हैं इसको, इकोटोन्स कहते हैं, प्रतितान दो बायोमों के मिलन का क्षेत्र होता है जिसमें दोनों बायोमों के गुण जो है इसमें सम्मिलित होते हैं।
किसने मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया, तो बैरोज ने किया है। उसके बाद इस वीडियो में हम 25 ही देखेंगे, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो 25 क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो पीटर हैगेट है ये ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी इन्होंने लिखा है, ये ज्योग्राफी ऑफ मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट की है बुक। उसके बाद जीपी मार्स ने एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी लिखी है, ये वाला जो है सुमेलित नहीं है। और पी जेम्स ने ऑल पॉसिबल वर्ड्स लिखा है, ये सही है। एडम्स और गोल्ड ने ये स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशंस लिखा है, ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे दिया था कि शहरीकरण की यानी नगरों की परिभाषा या शहरों की परिभाषा किसे कहते हैं, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कि कोई भी स्थान जिसके पास नगर पालिका हो या नगर निगम हो, छावनी क्षेत्र हो, अधिसूचित कस्बा हो या सभी अन्य स्थान जो इन तीनों गुणों में जिसमें शामिल किया जाता हो, जैसे न्यूनतम जनसंख्या वहाँ पे 5000 हो, 75% कम से कम जो पुरुष जनसंख्या वो गैर कृषि कार्यों में हो, और कम से कम प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व 400 प्रति व्यक्ति हो, तो ऐसे एरिया को हम नगरों या शहरों की श्रेणी में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि कुछ विचारक का नाम दिया है, उसके बाद यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया है कि जो संभववाद है, पॉसिबिलिज्म है, इस शब्द को किसने दिया था, तो इसे फेब्रे द्वारा दिया गया था, जबकि इसका जो जनक है वो लाब्लांस को माना जाता है। तो जब पॉसिबिलिज्म वर्ड आएगा तो उसे फेब्रे लगाएंगे, और जब पॉसिबिलिज्म आएगा केवल तो उसको किसने दिया था, तो ये लाब्लांस को इसमें कहा जाता है। उसके बाद है कि इसमें जो ये पॉसिबिलिज्म है वो संभववाद हो गया, लेकिन यहाँ पे दिया है पहला जो है ये प्रोबेबिलिज्म है, तो प्रोबेबिलिज्म जो है ये वो एच के स्पॉट महोदय ने दिया था। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यानी कि रुको और जाओ नियतिवाद, तो ये किसका है। और उसके बाद सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है, फिर मॉडर्न ज्योग्राफी है, मिलान करने के लिए हम्बोल्ट हैं, रिटर हैं, ग्रिफिथ टेलर हैं, ओ एच के स्पॉट का मिलान हमने कर दिया है। तो जो पर्यावरण नियतिवादी हैं यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म ये टेलर का है। उसके बाद जो है सिस्टमेटिक ज्योग्राफी है तो ये हम्बोल्ट महोदय ने दिया था। उसके बाद मॉडर्न ज्योग्राफी है तो ये कार्ल रिटर ने दिया था। तो यहाँ पे नियतिवादी विचारधारा से हम्बोल्ट और रिटर जुड़े हैं। हम्बोल्ट की जो पुस्तक है कॉस्मॉस वो 1645 में प्रकाशित हुई। पर्यावरण नियतिवाद में रेडजिल आते हैं, और रुको जाओ नियतिवाद में को नयो नियतिवाद कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म। इसके प्रणेता टेलर हैं, टेलर ने ही माइग्रेशन जोन थ्योरी या इसे जोन स्टेटा थ्योरी भी कहते हैं। तो जो प्रोबेबिलिज्म है इसे प्रायिकतावाद भी कहते हैं हिंदी में, वो एच के स्पॉट ने इसे दिया था। उसके बाद है रेवेनस्टीन का जो प्रवास मॉडल है कौन सा उसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें सर्वाधिक शहरी क्षेत्र को और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जो प्रवास करते हैं इसे रेवेनस्टीन ने शामिल नहीं किया था। प्रवसन संबंधी नियम निर्धारित करने वाला जो प्रथम विद्वान है वह रेवेनस्टीन है। इसने बताया कि अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी पर ही जाते हैं, यानी कि डिस्टेंस डिके ला दूरी अवच्छय का नियम दिया। प्रवास क्रमिक रूप में बढ़ता है, लंबी दूरी पर जाने वाले अप्रवासी किसी एक व्यापारिक अथवा उद्योग के केंद्र पर प्रायः अपने पसंद से जाते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि प्रवसन का जो प्रत्येक प्रवाह वह कम शक्ति का प्रति प्रवाह उत्पन्न करता है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की तुलना में नगरों के निवासी कम प्रवासी होते हैं, और जन्म के देश के भीतर पुरुषों की अपेक्षा जो स्त्रियां होती हैं वो प्रायः जो ये प्रवसन करती हैं, यानी कि जो उसके बाद परंतु फिर उसके बाद छठा है कि जन्म के देश के भीतर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां जो अधिक प्रवसन करती हैं, और अधिकांश प्रवास करने वाले वयस्क होते हैं, परिवार से विरले ही उनके जन्म देश से प्रवसन करते हैं। उसके बाद आठवां है बड़े नगरों में जो प्राकृतिक वृद्धि की अपेक्षा प्रवसन से अधिक वृद्धि होती है।
इसके बाद है प्रवसन के प्रमुख कारण जो है आर्थिक कारण ही होते हैं। और प्रवसन के जो अन्य नियम है कि प्रवसन का जो एवरेटली मॉडल है वह 1965 में प्रकाशित हुआ, उसके बाद जेलिंस्की ने भी गतिशीलता संक्रमण मॉडल दिया था। विश्व की वर्तमान जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए कौन सी प्रजनन दर होना अपेक्षित है, तो ये जो 2.1 का है रेशियो, ये होना आवश्यक है कि जिससे जो है वर्तमान में विश्व में स्थिरता, जनसंख्या में स्थिरता आ जाएगी। कुल प्रजनन दर जो बच्चों की वह संख्या होती है जो किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल, यानी कि इसका प्रजनन काल 15 से 49 माना जाता है, में पैदा हो। और जो TR2 है उसमें कि जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, अर्थात माता पिता अपने आप को ही प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट इसे प्रतिस्थापी प्रजननता कहते हैं। यदि TR2 से कम आए तो जनसंख्या के घटने की प्रवृत्ति होगी, और प्रतिस्थापन स्तर को प्राप्त करने के लिए TER2 को होना चाहिए, परंतु सामान्यतः जो TER 2.1 लिया जाता है जो 2 से थोड़ा अधिक हो। ऐसी बाल्यावस्था में होने वाली मृत्यु को निरस्त करने के लिए ऐसा किया जाता है, और 2.1 जो कुल प्रजनन दर को जनसंख्या नीति के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 24वां है कि कौन सा कथन बिहार के पटना शहर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर के संदर्भ में सही है, तो इन दोनों शहरों को कोर शहर कहते हैं, वैश्विक शहर कहते हैं, या उत्तर औद्योगिक या प्रमुख शहर कहते हैं। तो इसे इन दोनों बिहार के पटना शहर और कोलकाता शहर को प्राइमेट सिटी या प्रमुख शहर कहते हैं। प्राइमेट सिटी की जो अवधारणा है वो मार जेफरसन ने दिया था। उसके बाद जो 25वां प्रश्न है, ये लास्ट वाला इस वीडियो का है, केंद्रीय स्थान के जो क्रिस्टालर का मॉडल K=4 है वह कौन सा सिद्धांत इंगित करता है, तो K=4 जो है ये परिवहन को इंगित करता है। केंद्रीय स्थान में जो है पहला विचार वान थ्योनेन ने दिया था, जबकि केंद्रीय स्थान शब्द का प्रयोग जेफरसन ने 1931 में किया था, और केंद्रीय स्थल का सिद्धांत क्रिस्टालर ने दिया था। तो क्रिस्टालर ने K=3 दिया जो बाजार नियम है, K=4 यातायात नियम, और K=7 प्रशासनिक नियम था। और जो परिवर्ती केप का जो पदानुक्रम ये इनका जो आलोचना किया है वो लॉस महोदय ने किया था। तो इसमें 25 क्वेश्चन हमने देख लिया है, नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट।